अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग पाक अफेयर्स एंड आई एम नोमान खान। जनरल आसिम मुनीर का जबरदस्त इकदाम और पहला वार ही भारत पर। भारत को अपने गंदे अजायम अपने तक महदूद रखने का मशवरा दिया है, वरना भारत के लिए ये बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। पाकिस्तान की सियासत में हमने बहुत सारी चीजें देखी और पाकिस्तान में खुद बड़ी इंस्टेबिलिटी हमने देखी। इस इंस्टेबिलिटी के बाद जब कमान की तब्दीली हुई और जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब कमान आसिम मुनीर के हवाले कर दिया। आसिम मुनीर इस वक्त बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं और वो बजाय यहां पर एक्टिव होने के वो बॉर्डर्स का दौरा कर रहे हैं और पहला दौरा उन्होंने जो किया है वो कश्मीर का किया है और कश्मीर में वहां पर मुख्तलिफ सेक्टर का जायजा भी लिया और उस जायजे के साथ साथ तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कुछ अरसे से भारत में एक पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुहिम चलाई जा रही है पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान के सरजमीन के खिलाफ, पाकिस्तान के कश्मीर के खिलाफ और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। इस हवाले से जनरल आसिम मुनीर ने बाज़ाब्ता तौर पर यह बता दिया है कि भारत के जो अजायम है उनसे ना सिर्फ हम आगा है बल्कि जो एक गलीज प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं उससे भी हम आगा है और उनको हम यह बताना चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का शहरग है। कश्मीर के हवाले से जो भी आपके अजायम हैं इस हवाले से ये जिद्दोजहद पाकिस्तान की जारी रहेगी, ये जिद्दोजहद पाकिस्तान के और कश्मीरियों के साथ जारी रहेगी, कश्मीरियों के साथ इजहारी यकजहती पाकिस्तान जारी रखेगा। ये जो दौरा किया है इस दौरे के जो डिटेल्स हमारे सामने आए हैं वो डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे कबल जरा बैकग्राउंड में आपको बताता चलूं कि चूंकि पाकिस्तान एक तवील अरसे तक बहुत सारे ऐसी चीजों में मसरूफ रहा, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही और उसकी बड़ी वजह यह थी चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट आपस में आमने सामने आई थी, तो ये कमान की तब्दीली के साथ अब बहुत सारी चीजें हमें तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। अब हमें यूं लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की अपनी एक डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तानी कौम उन पर फख्र कर रही है, पाकिस्तानी कौम की सपोर्ट उनके साथ है, हमारी सपोर्ट उनके साथ है, पाकिस्तान के बॉर्डर महफूज रहेंगे, पाकिस्तान का खत्ता महफूज रहेगा, पाकिस्तान के लोग महफूज रहेंगे, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की अफवाज के लिए अवाम के दिलों में हमेशा जिस तरीके से मोहब्बत और वलवले का इजहार किया जाता है इस किस्म के वलवले और मोहब्बत का इजहार अभी भी किया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर का यह पहला दौरा है और पहला दौरा कश्मीर में अहम सेक्टर मुख्तलिफ सेक्टर का दौरा किया और इस दौरे में बुनियादी तौर पर भारत को जो एक जबरदस्त जवाब दिया इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ जो वहां के आम जो हमारे सिपाही हैं उनको खास तौर पर दाद पेश की, खराज तहसीन पेश की और उनको अप्रिशिएट किया, ना सिर्फ अप्रिशिएट किया बल्कि उनके एफर्ट्स की तारीफ की। तो ये आसिम मुनीर साहब का जो पहला दौरा है ये इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा था। अब भारत को जो जवाब दिया, अब भारत क्या चीजें पाकिस्तान के खिलाफ वो मुहिम चला रहे हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के वाले से कि ये भी भारत का हिस्सा, कश्मीर के वाले से ये भी भारत का हिस्सा और इस किस्म के प्रोपेगेंडे वहां पर किए जा रहे हैं और ये प्रोपेगेंडे क्रिएट किए जा रहे हैं कि वहां पर हम दोबारा ये लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जिस तरीके से वो भड़के मारते हैं। टीवी पर आपने देखा होगा वो एक इनका जनरल साहब आते हैं, जनरल बख्शू, वो एक पहाड़ और दूसरे पहाड़ पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो ये सिर्फ गुफ्तगू हद तक कर सकते हैं, वरना हमने देखा है अभिनंदन हमारे हाथों से दिया हुआ उनका तोहफा है जो हमेशा उनके नजरों में रहेगा, तो वो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, वो सिर्फ गुफ्तगू कर सकते हैं। इस पर जनरल आसिम मुनीर ने दबे अल्फाजों में यह बता दिया है कि पाकिस्तान जो है वो हर किस्म की जारहियत का जवाब देने की सलाहियत रखता है, पाकिस्तान जो है वो हर किस्म की दिफा की सलाहियत रखता है, पाकिस्तान अपने खित्ते की दिफा का सलाहियत भी रखता है, पाकिस्तान अपने लोगों की दिफा की सलाहियत भी रखता है और पाकिस्तानी अफवाज जो है वो हर किस्म की जो चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए तैयार है। तो जनरल आसिम मुनीर का जो ये दौरा था ये इंतहाई खुशगवार भी था और उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान में अब एक डायरेक्शन हमारे सामने आ जानी चाहिए और अफवाज पाकिस्तान जिस तरीके से वो काम करना चाहते उस तरीके से अब काम करना शुरू हो चुकी है और उसकी बड़ी वजह यह है कि
कमान की तब्दीली के साथ जाहिर सी बात है तब्दीली आती है, तो पाकिस्तान के अवाम की सपोर्ट भी उनके साथ है रहेगी और उनको इसी तरीके से सपोर्ट भी करेगी। और भारत को जो पहला वार उन पर किया है, ये भारत के लिए भी बड़ा एक सरप्राइजिंग मोमेंट जरूर हो सकता है, क्योंकि भारत में इस वक्त इस हवाले से बड़ी चीखें निकल रही हैं कि आर्मी चीफ ने क्या कह दिया, इस तरीके से वो कुछ कह दिया। बहरहाल जो भी वो कहे, पाकिस्तान का दिफा जो है वो अफवाजी पाकिस्तान करना जानती है और वो कर रही है। और ये जो पहला दौरा कश्मीर का था, इसमें बड़ा पैगाम था भारत के लिए, यकीनन वो समझ चुके होंगे। दीजिए पाक अफसर नुमान खान को इजाजत, अल्लाह ने कहमान।